हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओरेकल टेक इंडिया। मैं अनिल के शर्मा। आज एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और टॉपिक का नाम होगा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में ये मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर होगा। तो आइए समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम क्या है। ए डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इज एन इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ डेटाबेसेस। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को हम एक इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ डेटाबेस बोल सकते हैं। तो क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि सबसे पहले इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ डेटाबेस क्या है, तो एक कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन डेटाबेस में टेबल्स के फॉर्म में स्टोर करके रखी जाती है, जैसे एम्प्लॉय टेबल, डिपार्टमेंट टेबल, लोकेशन टेबल, प्रोजेक्ट टेबल। तो इस तरीके के बहुत से टेबल्स बनाए जाते हैं और बहुत सारे टेबल्स में कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखा जाता है। तो इन सारे टेबल्स को हम एक इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ डेटाबेसेस बोल सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस भी एक इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ डेटाबेसेस है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम एक इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ डेटाबेस कैसे है? तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में क्या होता है? तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में क्या होता है कि पूरी इंफॉर्मेशन को, कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन को, यानी कि डेटाबेस के पूरे कलेक्शन को, सारे टेबल्स को फिजिकली क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है अक्रॉस साइट्स, अलग अलग साइट्स पे अलग अलग डेटाबेस के स्टोरेज डिवाइस को इंस्टॉल करके कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन को अलग अलग साइट्स के अलग अलग डेटाबेस स्टोरेज डिवाइसेस में जो है डिस्ट्रीब्यूट करके स्टोर करके रखा जाता है। और ये सब होता है कंप्यूटर नेटवर्किंग के एनवायरनमेंट में। तो इसी को डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम बोलते हैं। तो जनरली मैं इसको एक बार और समझा देता हूं कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में क्या होता है कि एक नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में, मतलब लेट्स सपोज कि मैश टोपोलॉजी या फिर बस टोपोलॉजी का नेटवर्किंग है, तो उस मैश या बस टोपोलॉजी के नेटवर्किंग एनवायरनमेंट पे, नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में अलग अलग साइट्स पे, अलग अलग साइट्स पे अलग अलग डेटाबेस के स्टोरेज डिवाइस को, यानी कि डिस्क को जो है इंस्टॉल किया जाता है। और उस डिस्क के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा प्रोसेसर लगे हुए होते हैं और उसके साथ मेमोरी भी अटैच्ड होती है। तो एक साइट पे जो है डिस्क इंस्टॉल्ड होंगे जिसमें डेटा स्टोर होगा, और उसी साइट पे फिर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है जिसमें प्रोसेसर लगे हुए होते हैं और मेमोरी भी उसके साथ अटैच्ड होता है। तो पर्टिकुलर एक साइट पे जो है फिजिकल डिस्क और ऑपरेटिंग सिस्टम और मेमोरी, ये तीनों मिलकर के डेटा को स्टोर करने का और डेटा में यूजर की सारी एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने का काम होता है। बिल्कुल इसी तरीके का सेटअप तैयार किया जाता है नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में दूसरे साइट पे। दूसरे साइट पर भी क्या होता है, वहाँ पर फिजिकल डिवाइसेस इंस्टॉल किए जाते हैं जहाँ पर डेटा स्टोर होगा, उसके साथ मेमोरी अटैच की जाती है, उसके साथ प्रोसेसर अटैच किए जाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से तीसरे साइट पे, चौथी साइट पे, पांचवे साइट पे, यानी कि कंपनी की जो भी रिक्वायरमेंट है, जितनी भी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग साइट पे जो है प्रोसेसर, मेमोरी और डिस्क जिसमें डेटा स्टोर होगा, उस चीज को उसका सेटअप बनाया जाता है। और सेटअप बनाने के बाद कंपनी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो टेबल्स के फॉर्म में है, उन सारे टेबल्स को अलग अलग साइट पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग साइट के डिस्क में डेटा को स्टोर करके रखा जाता है। और कंपनी की फिर जितनी भी ब्रांचेस होंगी, हर ब्रांचेस से एम्प्लॉई अपने डिपार्टमेंट से, डेटाबेस एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर से जो भी इंफॉर्मेशन फेच करना चाहेंगे, उनको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाता है।
तो टू फॉर्म ए डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम को तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए द फाइल्स मस्ट बी स्ट्रक्चर्ड, तो फाइल्स को स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। मतलब स्ट्रक्चर का मतलब कंपनी की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में जो है स्टोर करके रखना पड़ेगा, मतलब कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन को टेबल्स में स्टोर करके रखना पड़ेगा, जिसको फाइल्स बोला गया है यहाँ पर। और उसके बाद लॉजिकली इंटर रिलेटेड, और सारे टेबल्स को सारी इंफॉर्मेशन को लॉजिकली आपस में इंटर रिलेट करना पड़ेगा, और इंटर रिलेट करने के बाद पूरी इंफॉर्मेशन को पूरे डेटाबेस को फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अक्रॉस मल्टीपल साइट्स, अलग अलग साइट्स पे, जितनी भी साइट्स पे हमने डेटाबेस का सिस्टम सेटअप किया है उन सारे साइट्स पे सारे डिस्क पे डेटा को जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके स्टोर करके रखना पड़ता है। तो इन एडिशन देयर मस्ट बी ए कॉमन इंटरफेस टू एक्सेस द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। अब किसी भी डिपार्टमेंट से, कंपनी के किसी भी ब्रांच से, किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी यूजर अगर कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में एक्सेस कर रहा है तो वो एक्सेस ऐसे होना चाहिए, उसको ऐसे लगना चाहिए जैसे कि डेटाबेस अलग अलग स्टोर नहीं है बल्कि एक सिंगल प्लेस पे डेटाबेस जो है स्टोर है। तो इसी को बोला गया है कि देयर मस्ट बी ए कॉमन इंटरफेस टू एक्सेस द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। तो यहाँ पर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का पूरा सेटअप है। तो इस सेटअप में, इस डायग्राम में बताया गया कि हमारे पास एक नेटवर्किंग एनवायरनमेंट है, हम मेस टोपोलॉजी या फिर बस टोपोलॉजी का बोल सकते हैं कि नेटवर्किंग एनवायरनमेंट है। और इस नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में एक कंपनी को 3 साइट्स की ज़रूरत पड़ी है जहां पर डेटाबेस को स्टोर करके रखना है। तो P1 साइट नंबर 1 है, P2 साइट नंबर 2 है और P3 साइट नंबर 3 है। तो हर साइट पर क्या होगा कि एक जो है डिस्क इंस्टॉल करके रखा जाएगा, डिस्क का मतलब जिसमें डेटाबेस स्टोर होगा। तो हर साइट पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, यानी कि प्रोसेसर होंगे, उसके साथ मेमोरी होगी और मेमोरी के साथ फिजिकल डिवाइसेस इसके साथ अटैच होंगे, और इसी फिजिकल डिवाइसेस में जो है कंपनी की फिजिकल डिवाइसेस में कंपनी की कुछ इंफॉर्मेशन इस पर पड़ी हुई होगी। और इस नोड पर अगर कोई बंदा अपने डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता है, अगर वो इंफॉर्मेशन इस नोड पर, इस साइट पर पड़ी हुई है, तो इस साइट पर क्या होगा कि यहाँ का पूरा डेटाबेस सिस्टम मतलब प्रोसेसर यहाँ पर क्या करेगा, उस यूज़र के रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करके डिस्क में से डेटा को निकाल करके और उस यूज़र के पास भेज देगा। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर साइट नंबर 2 पर भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रोसेसर जो है लगे हुए हैं, मेमोरी लगी हुई है और जो है डिस्क लगे हुए हैं, स्टोरेज डिवाइसेस लगे हुए हैं जिसमें डेटा बेस स्टोर है। तो अगर यूज़र किसी भी डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन को फेच करता है और उसका इंफॉर्मेशन इस वाले साइट पर पड़ा हुआ है तो यहाँ का जो प्रोसेसर है वो एग्जीक्यूट होगा, यूज़र के रिक्वेस्ट को, टास्क को एग्जीक्यूट करके डिस्क में से डेटा को निकाल करके यूज़र के पास सेंड कर देगा। अब बिल्कुल उसी तरीके से साइट नंबर 3 पर भी प्रोसेसर लगे हुए हैं, मेमोरी लगी हुई है और फिजिकल डिवाइसेस यहाँ पर लगे हुए हैं और फिजिकल डिवाइसेस पे डेटा स्टोर है, यहाँ पर डेटा स्टोर है। तो यहाँ से अगर कोई यूज़र ने अलग डिपार्टमेंट से कोई इंफॉर्मेशन फेच करना चाहा, अगर उसका कुछ इन्फॉर्मेशन इस वाले साइट पे पड़ा हुआ है तो यहाँ का प्रोसेसर जो है एक्टिव हो जाएगा, यूज़र के रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करके इन्फॉर्मेशन भेज देगा।
तो यहाँ पर लेट सपोज एक यूजर ने कोई इंफॉर्मेशन फेच करना चाहा, तो उसका कुछ इंफॉर्मेशन तो साइट वन पे पड़ा हुआ है, कुछ इंफॉर्मेशन साइट टू पे, कुछ इंफॉर्मेशन साइट थ्री पे। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक सिंगल क्वेरी जो है यहाँ भी एग्जीक्यूट हो जाएगी, एक सिंगल क्वेरी तीन पार्ट में डिवाइड होकर के जो है, एक क्वेरी यहाँ से डेटा को फेच करेगी, दूसरी क्वेरी यहाँ से डेटा को फेच करेगी और तीसरी क्वेरी यहाँ से डेटा को फेच करेगी, और तीनों क्वेरी डेटा को फेच करके रिजल्ट को मेन क्वेरी के पास दे देंगे दे देगी, और उसके बाद मेन क्वेरी जो है यूजर के मेन क्वेरी जो है यूजर के इंफॉर्मेशन को उसके पास सेंड कर देगी। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का पूरा यही सेटअप होता है, यही एनवायरनमेंट होता है। तो यहाँ पर और देखते हैं क्या है कि ऑल डेटाबेसेस एबव मेंशन्ड DB1, DB2, DB3 आर लॉजिकली रिलेटेड इन सम मैनर। तो जैसा कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में बोला गया है कि फाइल मस्ट बी स्ट्रक्चर, कि फाइल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होना चाहिए और सारे फाइल, सारे टेबल्स, सारी डेटा या सारा इंफॉर्मेशन जो है लॉजिकली एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पर डेटाबेस वन, डेटाबेस टू, डेटाबेस थ्री, ये सारे आपस में लॉजिकली रिलेटेड है। तो कैसे रिलेटेड है, तो यहाँ पर एम्प्लॉय के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, यहाँ पर डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, यहाँ पर लोकेशन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, और ये सारे मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी से ये दोनों टेबल्स इसके अंदर आपस के जुड़ रहे हैं, फिर एम्प्लॉय आईडी से ये इसके टेबल्स आपस में जुड़ रहे हैं, तो इस तरीके से लॉजिकली ये रिलेटेड है। या फिर एक ही टेबल्स के डेटा को तीन पार्टीशन करके स्टोर किया गया है, एक पार्टीशन का डेटा यहाँ पर स्टोर है, दूसरे पार्टीशन का डेटा यहाँ पर स्टोर है, तीसरे पार्टीशन का डेटा यहाँ पर स्टोर है। तो इस तरीके से पूरा जो डेटाबेस है वो डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में क्या होता है कि अलग अलग डिस्क पे जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो मैंने अपने पैरेलल डेटाबेस सिस्टम के वीडियो लेक्चर में पार्टीशन के बारे में पढ़ाया था। तो उस पार्टीशन में मैंने बताया था कि डेटा को चार तरीके से कैसे पार्टीशन करके अलग अलग डिस्क के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसको समझने से पहले आप उसको भी जाकर के देख लीजिएगा, तो आपको डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर DB1 का मतलब यह है कि यह डिस्क वन है और इस डिस्क वन पे डेटाबेस जो है स्टोर है, और इसके साथ प्रोसेसर भी लगे हुए हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, और जो है मेमोरी भी इसके साथ अटैच्ड है। और यहाँ पर ये डिस्क थ्री है जिसमें डेटाबेस इंस्टॉल्ड है, और यहाँ पर भी प्रोसेसर लगे हुए, मेमोरी लगी हुई है, और ये डिस्क टू है, इस पर भी डेटाबेस स्टोर है, और जो है यहाँ पर में मेमोरी और प्रोसेसर लगे हुए हैं। तो इस तरीके से कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन को जो है साइट वन पर, साइट टू पे और साइट थ्री पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड की गई है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DDBMS। तो DDBMS क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DDBMS इज द सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है that permits the management of the distributed database। तो distributed database का जो management करना है तो वो management जो है DDBMS के software से होता है। मतलब कि data को equally distribute करना है अलग अलग sites पे, अलग अलग sites पे जो data पड़े हुए हैं, operating system है, processor, memory, उन सब की management वगैरह जिस सॉफ्टवेयर से होती है उसको डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। मतलब ये एक सॉफ्टवेयर है, और ये क्या करता है, मेक्स द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंट टू द यूजर्स।
तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ये सॉफ्टवेयर क्या करता है कि डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से करता है कि यूजर्स को वो ट्रांसपेरेंट लगता है। यूजर्स को वो ट्रांसपेरेंट लगता है, इसका मतलब ये है कि कोई भी यूजर अपने डिपार्टमेंट से किसी भी इंफॉर्मेशन को डेटाबेस एप्लीकेशन से जब वो फेच करता है तो उसका इंफॉर्मेशन उसके सामने आ जाता है, उसको बिल्कुल भी ये फील नहीं होता है कि वो डेटाबेस जो है जहाँ से वो आया है वो डेटाबेस अलग अलग मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में वो डेटा स्टोर है। उसको सीधे लगता है कि मैंने इधर से क्वेरी की है या इन्फॉर्मेशन को फेच करना चाहे और उधर से इंफॉर्मेशन पुट करके आ गई है, मतलब इंफॉर्मेशन किसी सिंगल प्लेस पे पड़ी हुई है। तो यहाँ पर जो है यूजर्स को ये फील ही नहीं होता है कि डेटा जो है वो अलग अलग मतलब साइट पे डेटा पड़ी हुई है। तो इसी को बोला गया है कि DDBMS का सॉफ्टवेयर क्या करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन को, डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बना देता है यूजर्स के लिए। यूजर्स को बिल्कुल फील ही नहीं होता है कि कंपनी का पूरा इंफॉर्मेशन वो अलग अलग साइट्स पे पड़ी हुई है। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेक ए क्वेरी, मान लीजिए कोई आप क्वेरी फायर करते हैं, तो जब क्वेरी फायर करते हैं तो उसमें आप अवेयर नहीं होते हैं कि आपका डेटाबेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। बस आप क्वेरी फायर करते हैं और क्वेरी क्या करता है, तुरंत इंफॉर्मेशन फेच करके आपको दे देता है। तो यहाँ पर जो है यूजर को बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि डेटाबेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पर जो है क्या है कि नेटवर्किंग एनवायरमेंट में तीन साइट्स है, P1, P2, P3, और P1 पे DBT टेबल का डेटा पड़ा हुआ है। यहाँ पे लेट सपोज डिपार्टमेंट की सारी टेबल्स बनी हुई है और वो यहाँ पर स्टोर है। यहाँ पे P3 पे EMP की टेबल जो है सारी पड़ी हुई है यहाँ पे। अब जब एक यूज़र क्वेरी फायर करेगा और क्वेरी में अगर उसने मेंशन किया है कि मान लीजिए EMP नेम, एम्प्लॉय सैलरी और डिपार्टमेंट नेम, तो EMP नेम और EMP सैलरी जो है अगर वो अपने डेटाबेस एप्लीकेशन से या SQL प्रॉम्प्ट वगैरह से अगर इंफॉर्मेशन को फेच करता है तो एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सैलरी जो है वो इस वाले P3 के साइट से डेटाबेस 3 वाले डिस्क में से फेच होकर के उसके पास आएगी, और जो है डिपार्टमेंट का जो नाम है वो P1 के साइट से डेटाबेस 1 यानी कि DB1 के डिस्क से फेच होकर के उसके पास जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि क्वेरी में उसने मांगा था EMP नेम, EMP सैलरी और डिपार्टमेंट नेम, तो EMP नेम और EMP सैलरी P3 से उठ करके उसके पास जा रही है और डिपार्टमेंट नेम यानी कि डिपार्टमेंट का नाम जो है P1 से उठ करके उसके पास जा रही है। तो जब वो क्वेरी फायर करता है तो दो जगह से, दो साइड से इंफॉर्मेशन उठ करके उसके पास आ रही है, लेकिन यूजर को बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि इंफॉर्मेशन जो है दो साइड से उठ करके उसके पास आई है। तो इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ पर डेटा की वो ट्रांसपेरेंट है यूजर के लिए, यानी कि यूजर को बिल्कुल भी नहीं लगता है कि डेटा या इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के एनवायरमेंट में क्वेरी कैसे रन होती है। तो फाइंड एम्प्लॉय वर्किंग इन रिसर्च डिपार्टमेंट, तो रिसर्च डिपार्टमेंट से एम्प्लॉय के नाम को फाइंड करना है, मतलब हमें ये जानना है कि रिसर्च डिपार्टमेंट में कौन कौन से एम्प्लॉय है। तो एक यूजर जब रिसर्च डिपार्टमेंट से एम्प्लॉय, रिसर्च डिपार्टमेंट में काम कर रहे एम्प्लॉय के नाम को जो है अगर फेच करना चाहता है तो उसके लिए वो क्वेरी फायर करेगा SQL प्रॉम्प्ट पे, वो क्वेरी फायर करेगा या एंड यूजर्स अपने डिपार्टमेंट से अपने डेटाबेस एप्लीकेशन से जो है वो जो है इंफॉर्मेशन को फेच करेगा। तो यूजर जब क्वेरी फायर करता है तो वो क्वेरी इंफॉर्मेशन यूजर के पास ला करके दे देती है, तो वो क्वेरी ऐसे इंफॉर्मेशन को ला करके देती है जैसे मानो
कि क्वेरी जो है किसी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम से इंफॉर्मेशन फेच करके नहीं ला रही है, बल्कि एक सेंट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम से फेच करके ला रही है। सेंट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम का मतलब डेटा पूरा एक सिंगल प्लेस पे स्टोर है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के एनवायरनमेंट में क्या होता है, जब यूजर कोई भी क्वेरी फायर करता है इंफॉर्मेशन को फेच करने के लिए, तो वो क्वेरी ऐसे एग्जीक्यूट होकर के डेटा को फेच करके लाती है जैसे मानो कि वहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम नहीं है बल्कि एक सेंट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम है। उसके बाद यूजर इज टोटली नॉट अवेयर वेयर द टेबल इज लाइंग, और डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में यूजर को बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि टेबल्स जिसमें कंपनी के इंफॉर्मेशन स्टोर है वो टेबल्स वो फाइल्स कहाँ पर पड़ी हुई है, वो यूजर को बिल्कुल भी पता नहीं होता है। देयर मे बी सम पर्टिकुलर टेबल एट P1, तो कुछ टेबल्स जो है साइट वन पे, जिसको P1 बोला गया है, साइट वन पे पड़ी हुई है, और कुछ टेबल्स जो है साइट टू, जिसको P2 बोला गया है, तो P2 पे पड़ी हुई है। तो फाइनली व्हेन यूजर फायर्स क्वेरी, जब फाइनली यूजर जब क्वेरी फायर करता है इंफॉर्मेशन को फेच करने के लिए, लेट सपोज रिसर्च डिपार्टमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉय के नाम को फेच करने के लिए जब यूजर क्वेरी फायर करता है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम क्या करता है, उस क्वेरी को दो सब क्वेरी में कन्वर्ट कर देता है। मतलब अगर इंफॉर्मेशन को दो साइट से फेच करके लाना है उस क्वेरी को, तो उस सिंगल क्वेरी को दो सब क्वेरी में डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम कन्वर्ट कर देता है। अगर डेटा या इंफॉर्मेशन तीन साइट या चार साइट से फेच करके एक साथ लाना है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम क्या करता है, उस सिंगल क्वेरी को तीन या चार सब क्वेरी में कन्वर्ट कर देता है, और हर क्वेरी जो है एग्जीक्यूट हो करके हर साइट से उसके डिस्क से डेटा को फेच करके उस सिंगल क्वेरी के पास लाती है। अगर चार क्वेरी रन हो रहे हैं उसी सिंगल क्वेरी के, तो चारों क्वेरी चारों साइट से डेटा को फेच करके उस सिंगल क्वेरी को रिजल्ट देती है, और वो सिंगल क्वेरी जो है चारों के इंफॉर्मेशन को मर्ज करके, जो है चारों के रिजल्ट को मर्ज करके पूरा एक इंफॉर्मेशन बना करके यूजर के पास भेज देती है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम ने एक क्वेरी को लेट सपोज टू सब क्वेरी में कन्वर्ट कर दिया, मतलब दो साइट से इंफॉर्मेशन को फेच करके लाना है, तो उसमें क्या होता है कि क्वेरी को दो सब क्वेरी में कन्वर्ट किया गया है, तो फर्स्ट क्वेरी जो है गोज टू डिपार्टमेंट टेबल। तो फर्स्ट क्वेरी क्या करेगा, मान लीजिए P1 साइट पे डिपार्टमेंट टेबल पड़ी हुई है, तो फर्स्ट क्वेरी डिपार्टमेंट टेबल के पास जाएगी, एंड सेकेंड क्वेरी गोज टू EMP टेबल। और लेट सपोज EMP टेबल जो है दूसरे साइट पर पड़ी हुई है, तो दूसरी क्वेरी EMP टेबल के पास जाएगी, और दोनों साइट से दोनों क्वेरी जो है इंफॉर्मेशन को फेच करके रिजल्ट को ला करके फाइनली इन दोनों के रिजल्ट को मर्ज कर दिया जाता है, और मर्ज करके जो फाइनल रिजल्ट बनता है वो फाइनल रिजल्ट जो है यूजर के पास भेज दी जाती है। यानी कि जिस यूजर ने जो भी इंफॉर्मेशन फेच करना चाहा था उस यूजर को वो इंफॉर्मेशन जो है रिजल्ट को मर्ज करके उस यूजर के पास भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में अलग अलग साइट से एक ही क्वेरी को जब डेटा फेच करनी होती है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम क्या करता है, उस एक सिंगल क्वेरी को जो है अगर दो साइट से इंफॉर्मेशन फेच करनी है, तो दो सब क्वेरी में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट कर देता है, और अलग अलग साइट से वो क्वेरी फेच करके इंफॉर्मेशन को सिंगल क्वेरी को दोनों क्वेरी दे देते हैं, और सिंगल क्वेरी बाद में इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके यूजर के पास भेज देती है। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में एक क्वेरी एग्जीक्यूट करती है, एक क्वेरी रन करती है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम का मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है।
बाकी का लेक्चर हम जो है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के वीडियो लेक्चर 2 में कवर करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।